प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मंगलवार को शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान केंद्र में पौधरोपण किया, जिसके संबंध में प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि प्रदेश के अंदर व देश में भाजपा की सरकार बनने के बाद देश में और राज्य में परिवर्तन आया है। लोगों की सोच बदली है और लोग भी बदले हैं। अब लोग जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद, परिवारवाद से ऊपर उठकर देश व समाज के लिए जीना चाहते हैं। पूरा देश योग कर रहा है, जिसको सभी लोगों ने स्वीकार किया है। पिछले 5 सालों में पौधारोपण जन आंदोलन बनता जा रहा है, क्योंकि वृक्ष ही सभी का जीवन है। वृक्ष से ही हम सांस ले पाते हैं, इसलिए पौधारोपण जरूर करें। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह सहित अन्य भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, बहुत शानदार बना है। शेर भी है क्या इसमें? चार हैं और यहाँ पर पहली बार मैं आया। सीधे रहे प्लीज, थोड़ा पीछे हो जाए भाई, हट जाए भाई, आगे साइड हो जाए भाई। अरे यार आप थोड़ा पीछे जाओ यार, मंगा मंगा लो पीछे कर लीजिए, पानी पानी अरे भाई न्यूज में चलाना ना, हाथ रख रेडियो पे और लगाना, और लगाना ना, नहीं एक ही थोड़ा पीछे हो जाओ ना। प्रभु नाम भाई लगी रही आपने का नाम सांसद जी लंबे आदमी। अरे हम आप हैं, धन्यवाद। राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद केंद्र में आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में और राज्य में एक परिवर्तन आया है। लोगों की सोच बदली है, लोग बदले हैं, अब लोग देश और समाज के लिए जीना चाहते हैं। जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, वंशवाद, धर्मवाद से ऊपर उठकर एक राष्ट्रवाद के लिए काम करना चाहते हैं। और आज राष्ट्रीय हित में जन आंदोलन बन चुका है मोदी जी के कार्यकाल में, राज्य में आदरणीय योगी जी के कार्यकाल में। पूरा देश योग अपने आप करता है, सब लोग स्वीकार किया है। पिछले 5 सालों से वृक्षारोपण भी जन आंदोलन बनते जा रहा है, और वृक्ष मेरा जीवन है। वृक्ष से ही हमें ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और प्रकृति का संरक्षण पहली बार सपा बसपा शासन लोगों ने देखा है। समर्पित भाव से और आदरणीय योगी जी के दूसरे कार्यकाल में जिस प्रकार मंत्रिमंडल का समूह सभी योजनाओं को लेकर केंद्र और राज्य आदरणीय मोदी जी की जा रहे हैं, अमृत सरोवर हो, वृक्षारोपण हो, योग हो, यह देश के हित में है, राष्ट्र के हित में, समाज के हित में, सभी वर्गों के हित में है। इसलिए देश बदला है, समाज बदला है, अधिकारियों की भी सोच बदली है। अब अधिकारी भी परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा है, वो भी कदम से कदम मिलाकर आदरणीय मोदी जी के साथ आगे बढ़ रहा है। उसको भी लगता है एक आकांक्षा, जो जिले हैं उनको नंबर एक मिलाना है। हमारे आंगनबाड़ी से लेकर नीचे स्तर के कर्मचारी अधिकारी भी समाज के लिए समर्पित होकर काम कर रहे हैं। आदरणीय योगी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष देश वो जिस प्रकार ने देश और राष्ट्र के लिए समर्पित होकर देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, देश को आज़ादी मिली, आज शहीद अशफाकुल्ला खां के नाम से ये चिड़ियाघर उन्होंने, अब्दुल हमीद, शहीद अशफाकुल्ला और अब्दुल कलाम ने जिस प्रकार देश और राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन दिया है, जीवन देकर देश सुरक्षित रखा है,
उस देश को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय मोदी जी, योगी जी और हिंदुस्तान के समस्त कर्मचारी, अधिकारी लोग कदम से कदम मिलाकर दुनिया में ये देश तरक्की करे, दुनिया में नंबर एक का देश बने और पूरे दुनिया को ऑक्सीजन दे, शक्ति दे। इसलिए आज वृक्षारोपण के अभियान, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम सब पूरा करेंगे, समाज के बदौलत पूरा करेंगे, अधिकारियों के बदौलत पूरा करेंगे, कर्मचारियों, समाज के जन आंदोलन बने और समाज के लोग आगे बढ़ें, जैसे दुनिया में योग लोग करते अपने आप करने लगे हैं, उसी तरह भी एक दिन आंदोलन बढ़ेगा। मैं आदरणीय योगी जी को 100 दिन के कार्यकाल में और बधाई देना चाहता हूँ। उनके नेतृत्व में रामपुर आजमगढ़ जैसे सीट जनता जनार्दन ने तोहफा दिया है और जनता जनार्दन के आशीर्वाद हम लोगों को परिश्रम की पराकाष्ठा करने के लिए और मजबूर करेंगे। तो आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता मंत्रिमंडल के और परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, गरीबों की सेवा करेंगे, जन सामान्य लोगों का सेवा करेंगे और रात दिन चलेंगे, न धूप देखेंगे, न बरसात देखेंगे, न गर्मी देखेंगे और रात दिन हम लोग परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, जनता को खुशहाल, केंद्र राज्य सरकार की योजनाएं उस गरीब तक पहुँचे, उसके लिए हम लोग परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे।